दोस्तों वेस्ट इंडीज के लिए कितनी बजे से शुरू होगा पहला मुकाबला और कहां पर खेला जाएगा और पहले मैच के लिए कौन होगा कप्तान और क्या होगी प्लेइंग 11, सब कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इंग्लैंड का चैप्टर तो शानदार जीत के साथ समाप्त हुआ, वनडे और टी20 सीरीज में 2-1 से जीता है, लेकिन अब टीम इंडिया के सामने नया चैलेंज आ चुका है। अब मुकाबला होगा कैरिबियन वेस्ट इंडीज से, वो भी उन्हीं की धरती पर। और दोस्तों हम जानते हैं वेस्ट इंडीज की टीम वनडे से ज्यादा टी20 में प्रभावशाली है, क्योंकि उनके खिलाड़ी वही तो खेलते हैं साल भर, लेकिन इस बार वनडे में एक नई चुनौती होगी। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई ने जानबूझकर हमारे मुख्य खिलाड़ियों को आराम दिया है ताकि वो आगामी होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज में जमकर मुकाबला कर सके, क्योंकि दोस्तों अभी-अभी ही इंग्लैंड को हरा कर गए हैं और वैसे भी टी20 में उनकी फॉर्म ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिलहाल बात है ओडीआई सीरीज की, तो दोस्तों आपको बता दें कि वनडे की सीरीज का पहला मुकाबला 22 जुलाई को शाम को 7 बजे से शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शाम को 7 बजे से, और ये मुकाबले लगभग सुबह 3 से 4 बजे समाप्त होंगे। और दोस्तों इस ओडीआई सीरीज में टीम के कप्तान होंगे शेखर धवन। जी हाँ दोस्तों, धवन का बल्ला तो इंग्लैंड के खिलाफ चुप था, लेकिन कप्तान है तो इस बार जिम्मेदारी भी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस बार उनका बल्ला जरूर चलेगा, और साथ ही दोस्तों उनके साथ ओपन करेंगे ईशान किशन, साथ ही दोस्तों सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और दीपक हुंडा भी टीम का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज में जीतना चाहते हो या जिताना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।